ऑर्गेन्जा के जो कि ये मैंने एप्लिक करवाए हैं। ये जो एप्लिक हुआ है टोटल 200 रुपये में हुआ है। ये समझ लें पूरे हाथी की पूंछ मैंने अभी डाली है, अपलोड की है। इसकी जो शर्ट है ना, लेवल है यार एक्सट्रीम की। हम इतनी खूबसूरत स्टिच हुई है। वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब सही होंगे और ये है आप लोग अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। इतना प्यार आप लोग करते हैं। पता है क्या, आप लोग कोई सवाल करते हैं ना मुझसे तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि जैसे पता नहीं कोई बच्चा अपनी मम्मा से नहीं कोई सवाल कर रहा होता, वैसे मुझे फील होता है। बहुत अच्छा फील होता है जब आप लोग कोई सवाल करते हैं कॉमेंट में, मेरा दिल करता है मैं सबको जवाब दूँ। तो नेक्स्ट सूट जो है ब्लू कलर का है, सफ़ायर का। मैंने पिस्ते कलर की जो वीडियो डाली थी उसके साथ मैंने ये ऑर्डर किया था, ये वाला है। पहले मैं इसकी आपको ट्राउज़र की कटिंग बताऊंगी, फिर बाद में इसकी शर्ट की बताऊंगी। चलें पहले मैं आपको ट्राउज़र की इसकी कटिंग बता दूँ। सिंपल प्लेन बहुत अच्छा पैंट पजामा तैयार होगा वो बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे जो शर्ट है ना, शर्ट पर थोड़ी डिज़ाइनिंग करनी है, इसीलिए मैं ट्राउज़र प्लेन रख रही हूँ और शर्ट पे थोड़ी डिज़ाइनिंग दूंगी। तो अब हम करते हैं कटिंग स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, जाके आप लोग जल्दी जल्दी से फॉलो करें। चलें तो ये है मेरे पास दूसरा सफ़ायर का सूट जो कि ऑर्डर किया था पिस्ते कलर के सूट के साथ का, ठीक है। इसके साथ दिया गया है बैग जो है करंडी, फ्रंट का भी करंडी का कपड़ा है और दुपट्टा भी करंडी का है, और ट्राउज़र जो है वो कैम्ब्रिक का दिया गया है। इसके साथ दो ये इन्होंने पीस दिए थे ऑर्गेन्जा के जो कि ये मैंने एप्लिक करवाए हैं। ये जो एप्लिक हुआ है टोटल 200 रुपये में हुआ है, ठीक है। तो अब करते हैं हम स्टार्ट। पहले मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग बताऊँगी, फिर बाद में शर्ट की। पहले ट्राउज़र आ जाते हैं। ये है ट्राउज़र का कपड़ा कैम्ब्रिक का, जो कि मैं इसको मैं फिटिंग में स्टिच करूँगी ट्राउज़र का। चलें अब करते हैं हम स्टार्ट। 37 ट्राउज़र की लेंथ है, 42 की मैं कटिंग करूँगी, जो कि 2 इंच ऊपर से फोल्ड होगा और नीचे से 3 इंच। तो बेहतर यही है कि आप ना सबसे पहले ऊपर अपनी लेंथ का निशान लगा के जो आपने कटिंग देनी है, नीचे से आप जितना आपने पाइंचा फोल्ड करना है वो आप पहले ही फोल्ड कर लें, ठीक है। इस तरह आपने फोल्ड कर लेना है और साइड से आपने ना ये जो मैं निशान लगा रही हूँ 2 इंच का देना है, 2 इंच के नीचे से चौड़ाई, और थाइस जितनी आएगी ना आपकी यहाँ तक आपने रेब में निशान लगा के कटिंग करना है। ये शेप आपने लाजमी देना है पैंट पजामे में, ये शेप आप लाजमी दिया करें, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं पाइचा, पाइचे की चौड़ाई। पाइचे की चौड़ाई देखेंगे 6 इंच मैंने रखी थी, 6 इंच पे निशान लगा देंगे। उसके बाद आपने आसन लेंगे 14.5 पे मैंने निशान लगाया था आसन का, और थाइस लेंगे 12.5। 14.5 पे ऐसे निशान लगाना है आपने, ठीक है। और जितनी थाइस होगी ना यहाँ से आपने 2 इंच कम करके ऊपर से रखना है, ठीक है। और फिर यहाँ आपने ऐसे बॉक्स बना लेना है पूरा। इस तरह बॉक्स बना के बस पाइचे पे जहाँ निशान लगा हुआ होगा इस तरह आपने ले आना है रेब में। आपके पास स्केल हो कर्व में तो आप वो यूज़ कर लें, मेरे पास तो स्केल नहीं है, मैं नॉर्मल अपने ही स्टिच करती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा मैंने चीज़ें नहीं रखी हुई। तो आधा आधा इंच छोड़ के जो मैंने निशान लगाया हुआ है, आधा आधा इंच छोड़ के मैंने कटिंग किया है ये सारा ना। तो ये है ऊपर वाली साइड, आपने जो मैंने कटिंग करके बताया है जितना जितना उतनी ही कटिंग करके आपने 2-2 इंच आपने आगे करना है। तो इस तरह आपने बस कटिंग कर लेनी जैसी मैं कटिंग कर रही हूँ। ये बिगनर्स के लिए है जिनको कटिंग नहीं आती, स्टिचिंग नहीं आती, जो स्टार्ट ले रहे हैं कटिंग से स्टिचिंग से जिससे भी, ये उन लोगों के लिए ट्राउज़र मैंने कटिंग किया है पैंट पजामा। ट्राउज़र हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ की सिलाई लगाएंगे फ्रंट की और बैक की, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया है प्लेट्स डालने हैं आपने, इसको हाफ करके 7 इंच का हाफ इंच यहाँ से रख के तिरछे, ठीक है।
ये मैंने ट्राउज़र में यहाँ सिलाई लगाई थी, अब इसको हम करेंगे फोल्ड। फोल्ड करने के बाद मैं आपको बताती हूँ प्लेट्स आपने कैसे लगाने हैं। ऊपर से लेके नीचे तक आपने 7 इंच का, 7 इंच पे आपने निशान लगाना, ठीक है, यहाँ 7 इंच पे। ऊपर से आपने आधा इंच रखना है और नीचे कोने तक ले आना है निशान लगा के, इस तरह। ये मैंने आपको पूरा दोनों तरफ ही मैंने करके बता दिया है। प्लेट्स लगेंगी दोनों तरफ, ठीक है। अब इनकी साइड्स जोड़ लेनी है। अब ये मैंने साइडों की सिलाई कर ली थी, अब नेफा फोल्ड करेंगे इसका। इसको सीधा करके इसका मुँह इधर और इसका मुँह इधर, ठीक है, इसको नेफा फोल्ड करेंगे। और जब यहाँ पे सिलाई आएगी नेफे की, तो आपने, ये मैंने लूप्स बनाई हैं दो जो कि मैं साइडों में लगाती हूँ, आपने देखा होगा हर ट्राउज़र में, तो ये आपने नीचे रख के, ठीक है, फिर ऐसे नेफा बनाना है इस तरह। फिर आपने ये जो लूप्स हैं इसके अंदर रख के आपने सिलाई की। तो आपने इस तरह पूरा नेफा बना लेना है। नेफा जो था बैक साइड जो थी वो ऊपर की तरफ थोड़ी सी उठी हुई थी, ठीक है, जब मैंने कटिंग किया था, तो कुछ इस तरह से सिलाई आएगी। तो जब प्लास्टिक अंदर जाएगा तो खुद ही एडजस्ट हो जाता है। गला बहुत ख़राब हो रहा है मेरा तो। अच्छा, पाँच आप लोग देख लें किस तरह मैं फोल्ड कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह आपने फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड करके आपने एक साइड उसके ऊपर ले आनी है खोल के, यहाँ आपने सिलाई लगानी है। ये देखें जिस तरह मैंने सिलाई लगाई, जैसे आपको बताया वो मैंने सिलाई कर ली है। इसको अब सीधा करेंगे। ये गुम चला गया है, मतलब ट्राउज़र की जो सिलाई होती है बीच की, वो पाइंचे से नज़र नहीं आएगी आपके। चूचे पूचे जो नज़र आ रही होती है ना, बहुत बुरी लगती हैं। ये आस्तीनों में से भी निकल रही होती हैं साइडों से ना, और ट्राउज़र में से भी। तो इस तरह करके आपने यहाँ से भी ना ऐसे तुरपाई कर लेनी है, सिलाई कर ले जो भी है। कितना फिनिशिंग से देखिए, आपने इसी तरह ही सिलाई किया करना है अपना ट्राउज़र। ये हो गया था मेरा ट्राउज़र रेडी। ये स्ट्रेट ट्राउज़र है, बहुत खूबसूरत इसकी फिटिंग है। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ निकाल के। ये ट्राउज़र मैंने सिर्फ आप लोगों की वजह से वीडियो बनाई है, वरना मुझे वीडियो नहीं बनानी थी। ये बिगिनर्स के लिए है, जिनको मुश्किल होती है शुरुआत में ट्राउज़र कटिंग करने में, स्टिचिंग करने में, ये उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है। ये समझ लें पूरे हाथी की पूंछ मैंने अभी डाली है, अपलोड की है। इसकी जो शर्ट है ना, लेवल है यार, एक्सट्रीम की उद्धम। इतनी खूबसूरत स्टिच हुई है, लॉन्ग शर्ट मैंने स्टिच की है, बहुत प्यारी। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।